So guys, I'm going to show you how to do this. You can see. आज मेरे जिम के कपड़े ये टी शर्ट बनाए और ये पैंट। सो अपने जिम करके आती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। बाय। सो गाइस, मैं उठ गई हूँ। ये है मेरे कपड़े जो कल रात के मेरे जिम के कपड़े अब मैं निकालने वाली हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा लेट अब घर पे ही फिर ब्लॉगिंग चालू की क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम आ गया था इसके वजह से। सो अभी कपड़े निकाल लेते हैं आज के। ये सब धोने के लिए जाएगा, ये क्लीनिंग का है तो इधर इसे रख देती हूँ। मेरा मैथ्स की पढ़ाई बाकी है एज यूजुअल। मैं यहाँ बोर्ड पर इसे लिखने वाली हूँ। और ये मेरा हैंड ग्लव्स है जो कि ठंडी होती है तभी पहनती हूँ ज़्यादातर, वरना मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता इतना भी कुछ खास ज़्यादा। ये दस और ये। सो आज के कपड़े हो गए। मुझे पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है स्पेशली जिम के वक्त, बट मेरी जिम की पैंट ये है तो फिर मैं ये नहीं यूज़ करती हूँ जब छुट्टी होती है तभी। और अब बस यहाँ पे टेबल से लिख लेती हूँ मैं पहले तो। मुझे चॉक चाहिए और डस्टर, क्या अच्छे से पहले चीज़ें लिख लेना चाहिए। सो टेबल इज 2, 3, 3, 9, 4, 4, 64, 9, 9, 81, 10, 10, 100, 11, 11, 124, और अब यहाँ से मुझे लर्न करना है 13, 13, आई डोंट नो 3, 1, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 169, I guess मैंने टेबल्स लिखे हैं टेबल्स के बुक में। ये धोना ही नहीं तो एक बार देख लेते हैं। हाँ लिखे हैं, देखिए मैंने लिखे हैं तो ये मुझे कॉपीराइट मारना है। ओके169, 196, 225, 15, 15 are 225, 256, 62, 89, 324, 361 और 400। सो ये मेरे टेबल्स का हो गया है। अब थोड़ी स्पेस करके वो बोलूँगी कि ना ले क्योंकि मेरी स्टडीज़ है अब, और अब मुझे एक्सट्रीम लेवल पे बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आई फील दैट जैसे मैं पहले रिवाइज करती हूँ और फिर टॉवल लेती हूँ, नहीं पहले नहा लेती हूँ फिर कुछ खा लेती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ फिर कुछ खा लेती हूँ और फिर आके पढ़ाई करूँगी। टॉवल ले लेती हूँ। ठीक है, बहन सो रही है। उठ गई है वो, उठ गई है, उठ गई है। यहाँ पे भी टॉवल नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे को नहीं है। ये पानी टिप टिप गिर ही रहा है, अब इसका कुछ सॉल्यूशन पहले देखती हूँ। मुझे बाथरूम साफ करना है तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ पहले तो। तो ये देख रहे हैं पानी भर गया है, मैंने मेरा वॉशरूम साफ किया और लड़की उठी नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं मम्मा से पूछती हूँ। अब आई
सो गाइस मेरी मदर की एक आरपी टोला है ये है बस बस अब वही यूज करूँगी, कुछ और मेरा है तो नहीं। और फिर अब मैं नहा के धो के पूरा बदन चमका के आती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। बाय गाइस। एक चीज देख ले, ये जो मैंने यूज किया है इसे हम स्लिम फिट बोलते हैं बेल्ट, और ये अंडरवेयर के साथ होता है। और ये जो मैंने यूज़ किया ये बहुत ज़्यादा गर्माहट भी दे रहा है, और देखिए मेरा वजन जैसे कि कुछ है ही नहीं, ये दिखा रहा है ये। सो इन शॉर्ट आई लव दिस, इवन यू कैन वॉन्ट इवन यू कैन गो थ्रू दिस। ओके जस्ट सी अप, मेरा जो पेट है कुछ दिख ही नहीं रहा है, देखें ये देखिए, जहाँ से एकदम पतला होना चाहिए ना वहीं से इतना पतला है ना कि क्या बताओ, मज़ा आ रही है मुझे। इसे मैं ट्राई करूँगी कि जिम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पहनूँ और इसे धोकर फिर से इस्तेमाल करती रहूँ, और ऐसे ही मैं आगे भी लूँगी। बट कोई फंक्शंस हो तो उसमें अगर हमें हॉट शॉट पहनने होते तब ये नहीं चलेगा। सो ये एक तो ले कर रखूँगी मैं अभी नहीं, कुछ महीनों बाद। और जो मेरे पास पहले के जो लीनियर्स होते जो कि इतने इतने से ही होते स्ट्रिप, वो भी रहेंगे, और एक मोटे से होते वो भी रहेंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। सो गाइस अब मैं जाऊँगी, और खाना तो आगे बनाने के लिए टाइम मम्मी ने दिया मुझे तो बनाऊँगी, या फिर भगवान का नाम लेके नाश्ता करूँगी। और पढ़ाई है सो कि मुझे कंप्लीट करनी है तो वो कंप्लीशन होगा, और ये देखिए ये मेरी वॉच जीवर का टुकड़ा, ये लिप बाम है जो कि वैसा ही है जिसे मैंने आपको बोला। ये कुछ कपड़े बट करके सोई हुई है तो इन करेंगे, और जो मैंने स्टार्ट किया है तो स्ट्रॉन्ग रखना वो वैसे ही रहेगा। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और काम कर रही हूँ। सो अब से गाइस बाद में मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस अब मेरी पढ़ाई करने का टाइम है, ये मेरी सब बुक है, ये मैथ की बुक है जो कि मुझे लगे कि आज क्या फ्राइडे सैटरडे देख रहे थे, फ्राइडे ज्योग्राफी साइंस और मैथ्स है। ये जो बुक है ये मुझे रख देनी है, मेरी सच्ची में लेट हो गया, ऐसा बहुत ज़्यादा लग भी रहा है पर ठीक है अब कर देंगे। सुबह 10 मिनट क्लास चालू होने के लिए, उसके बाद ट्यूशन होगी, और अच्छा मैं लेट जाऊँगी हिस्ट्री है ना आज, तो बस अब वही चालू और अब वही करना भी है। सो गाइस पढ़ाई करने के बाद आपसे बात करती हूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं की तो बहुत मार खाऊंगी ट्यूशन टीचर के हाथों से। सो ठीक है बाय, हैव अ नाइस डे। स्टडीज हो गई है और मैं सो गई थी, उसके बाद फिर ट्यूशन गई, ट्यूशन से आने कुछ मैंने खाया लड्डू जो कि वे ख़त्म हो गया, और अब मुझे जो ट्यूशन से साइंस का पढ़ाई मिला है वो मैं करने वाली हूँ। उसके बाद मेरा संस्कृत का क्लास है 7 बजे वो, फिर ताइक्वांडो जाऊँगी, आऊँगी खाऊँगी। सो अब तक तो वो किया है, और मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ आपको तो पता ही है जो मेरे काम की हो हमेशा। और मैं आपके साथ और एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इस संडे को वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं फिर से आपको एक कैरेटीन ट्रीटमेंट घर पर बनाना सिखाने वाली हूँ। आपको तो पता ही होगा कि मेरे लिए कैरेटीन यानी कि मेरा हर रोज़ का पानी पीने की आदत। पिछले बार जो मैंने कैरेटीन बनाया था उससे तो मेरे बाल जैसे कि क्या पता है जितने अच्छे हो गए थे ना कि सच्ची में। और अब मैं आपके साथ और कैरेटीन वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्द में बनाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आए, और आपको करके मज़ा देख कर मज़ा भी आ जाए।
और मैंने उसके पहले भी एक को किया था कैरेटीन, बट वो किसी काम का था नहीं। मेरा तो क्या है, मेरा तो बस आपको दे देना है, हुआ तो हुआ वरना आप घाटे में। बट देखिए मैं कितना सोचती हूँ आपके बारे में, मैं जता नहीं रही, मैं बता रही कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरे व्यूज़ देखते हैं, बस मुझे चाहिए होता है कि वो जो भी देखे वो करेक्ट देखे। और ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेसन है, ये लास्ट टाइम हो गया था बट मैंने इस बार किया ये, सो ये मेरे से गलती हो गई थी। और इस बार जो मैं करने वाली हूँ उसमें खास करके याद रखना मेयोनीज की ज़रूरत है। अगर किसी के पास मेयो ना हो तो फिर वो कर ले, मतलब ला दे किसी शॉप से, कहीं पे भी मिलेगी सस्ते में। तो मुझे करना ये है डायग्राम जो कि है, फोटोज़ निकाले हुए, मुझे बस करना है। तो कुछ ट्यूशन टीचर ने मुझे मार्किंग्स करके दिए, ये करना है मुझे पूरा। उसमें से कुछ मार्किंग दी हुई तो वो नहीं करने लगे, इस थोड़े से यहाँ से कुछ है ये, कुछ यहाँ से है, कुछ यहाँ से है, और ये करना है जो कि मैंने इतने से ध्यान नहीं दिया, बट कहीं पर यहाँ पर कहीं पर ये नहीं थे। और बस अब यही करना है, सो ये करने के बाद मिलते हैं। और अगर उसके बाद अगर मैं नहीं कर पाई वीडियो, तो मैंने बोला है कि मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ चेंज होता है तो मैं रात को आपको बता दूँगी। और अगर मेरे पास टाइम रहा कि आपको हर एक चीज़ की अपडेट दूँ मैं, तो मैं देते रहूँगी। सो बाय गाइस। सो ये मैंने कुछ कर लिया है सब अच्छे से, और सारे मार्किंग्स और नॉकडाउन्स हो गए, बस करना बाकी तो कर लेते और करने के बाद मिलते हैं। बाय गाइस। सो गाइस ये देख रहे हैं, मैंने अपना खाना खा लिया और पूरी फैमिली बाहर और गार्डन में खेल रही है। मेरे मामा मामी भी आए हैं, उनका बेटा भी आया है, और बस वही है। तो हाथ धोने के बाद ये देखिए सब खेल रहे हैं बाहर, सो मैं क्यों उनके साथ खेलती हूँ और फिर बात करती हूँ। बाय। तेरी कमरी का मोड़ पे चलो अंदर चल। सो गाइस मैं अब अपने रूम में आ गई हूँ और अब मैं ब्लॉग अपना डी एंड करती हूँ। सो बाय गाइस।